ओके फ्रेंड्स, हम इस वक्त शलोरजान एरिया में हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि बारबेरिस, जिसका हमें पता है अल्टरनेट होस्ट है रस्ट का, यू हैव दिस स्पीशीज ऑफ बारबेरी, कुछ हमें लेजन मिले। मैंने कुछ जो लेजन्स थे वो सैंपल के लिए ले लिए। स्टिल देयर आर अदर्स, यू कैन सी, और आप देख सकते हैं कि ये कितने करीब है टू द वीट क्रॉप। ये नीचे इधर बारबेरिस है और ये वीट है जिस पे काफ़ी रस्ट आया हुआ है। तो वी नो दिस इज़ द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, वी नो देयर इज़ रिकम्बिनेशन, एंड देन यू हैव बॉट द स्पीशीज़ इन सेम्पेट्री, जिसका मतलब ये है कि यू कैन हैव द पैथोजन मूविंग फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर प्लांट। सो फॉर द स्टूडेंट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दैट यू हैव the two species, the alternate host barberry. This one you can see if my camera is capable to take the picture. Yeah, so you have the pycnia on the upper side and then you have the Asia. So if I can up, I'm trying this one. Yeah, you can see the Asia on this side. So I took some samples. I hope I will be looking at it. What is in these? So because so far we know that it's not only the wheat yellow rust which goes on this sample on barberry, but there are different rust which can go on barberry. So we will see that this one is whether yellow rust but sinister form is, or exactly which one it is. So we are taking samples. You have the barberry fruits. It's very delicious. You can make the jam from it. Yeah, so we took the sample from the wheat also, and you have the wild rose. It's really beautiful. So I have shown to you in the Bajawad area, you have these wild roses everywhere in the tribal districts of Khyber Pakhtunkhwa. Aur kaun kaun se plants hai isme? You have willow. इसमें से यहाँ पे जो हमारे साथ हैं पश्तों में हम उसको सफेदार कहते हैं, सफेदार पॉपुलर, और इसमें कीकर है, जैस्मीन है, जैस्मीन है, शेखतूत है, शेखतूत है, ये फुबानी फायर रोड के लिए, एप्रिकॉट, और फ्रूट्स में फिर एप्रिकॉट है, यहाँ पे एप्पल है, प्लम है, पोमीग्रेनेट। यहाँ एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, यहाँ पे एक लोकल हमारे साथ फ्रूट है जिसे हम अरगेंजा कहते हैं, जंगली आलूचा, जंगली आलूचा, जंगली आलूचा, ये घरों में ही होता है, स्टोन फ्रूट है, स्टोन फ्रूट है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये स्टोन फ्रूट है, और इसकी जैम जो होती है बनाई जाती है, और सही, और सिर्फ इस एरिया में ये कुरम में। अच्छा, सब कुरम में। ये ज़रा आपको रूट बता दूँ, बड़े मज़े का है, यू वुड रियली लाइक टू विज़िट सच प्लेसेस। आपको प्लांट्स बड़े मज़े का है, कोल्ड सा एनवायरनमेंट है, पानी है इर्द गिर्द, छोटे छोटे रोड है, छोटे छोटे टेरेसेस पे खेत है, ठीक है। तो आई वॉन्टेड मे बी दिस विल बी अमेजिंग, I just wanted to share with you that it will be of interest to you people. ये देखे कुछ wild Brassicaceae family के जी। Okay, so मिनहाज कोई plant हमें दिखाना चाह रहे, जाते मिनहाज के पास। जी मिनहाज, यस यस, ओके, दिस वन इज अरगेंजा, ओके, सो या इट्स अलूचा नहीं, या इट्स समथिंग रिलेटेड टू अलूचा, वाइल्ड प्लम, वाइल्ड प्लम कह सकते। अच्छा, ये पॉपुलर का आई डोंट नो, मेरा कैमरा इसको कैप्चर कर सकते या नहीं, ये पॉपुलर के आपके पास जो फाइबर से आते, इट्स फ्रॉम द फ्लावर के लिए पॉपुलर का, इससे एलर्जी होती कई लोगों को, तो ये बहुत मसला होता है,
दिस ईयर वी हैव अ लॉट ऑफ इट। आप देख सकते हैं ये, अगर मेरा कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है, ये कर रहा है। ओके चलते चले जी, आगे आपको ड्राइव में साथ लेके जाएंगे। मेहरबानी, जजाकल्ला जजाकल्ला। थोड़ा सा ड्राइव में ओके, एक मिनट उसको। ये हमारे इलाके में भी एक दौर में थे, लेकिन ये अभी डिग्री कॉलेज वाले जो थे ना, इसके पीछे इधर आए हुए थे, वो कहते हमें एक मैसेज और करके देंगे इसका। तो फिर रिसर्च वालों से जब बात हुई, उन्होंने कहा इसकी मिस्त्री नहीं होती, ये बस कुदरती यहाँ पे, तो ग्राफ शाफ्ट नहीं कर सकते इसको। नहीं, फ्रूट दिखाया तो अपने व्यूवर्स को भी हम बताए। ये देखिए जी, ये फ्रूट है अर्गेंजा का, तो इट्स अ काइंड ऑफ वाइल्ड प्लम। सो पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाले, ऑल द पीपल वर्किंग ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, वी कैन सी इफ इट इज वन ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द स्टोन फ्रूट्स। अच्छा, ये शलोजान एरिया है, पणजी एरिया, शलोजान में है ना, जो बड़ा एरिया है उसका नाम शलोजान है। और इसके बारे में मिनहाज ने हमें बताया था कि शलोजान इसको इसलिए बोलते हैं कि इधर लो एक ही टाइम में 20 अजानें होती थी, तो शल 20 को बोलते पुश्तों में और अजान अजान को बोलते हैं, तो शल अजान 20 अजान। ये बारबरी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है इस जगह पर। Yes, you have a lot of barberry. ये स्पीशीज इसकी डिफरेंट है जो हमारे पास। एक मस्जिद में 20 अजान होती थी या सारे इलाके का टाइम 20 अजान होती थी ना, मुख्तलिफ जगह पे 20 गांव में 20 अजान होती थी, एक ही गांव में 20 मस्जिद में 20 होती थी। काफी लोग थे, बस पुराने जमाने की, बस ये कोई मेटाफर ये सब भी हो सकते हैं ना, लाउड स्पीकर तो थे नहीं। हां यस, परिंदों की आवाज़ें। मैंने पहले भी बताया था कि लोगों के पुराने ज़माने में मकान कच्चे होते थे, ईमान पक्के होते थे, पक्के होते थे, मस्जिदें कच्ची होती थी और मस्जिद नमाजियों से भरी होती थी। हाँ, आज मस्जिदें हर दूसरे परिंदे आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैना है ये, ये तो खैर कामन। ये अनार जगह जगह पे लगे हुए हैं, बारबेरिस है, वाइल्ड रोजेज हैं। अच्छा, कच्चे मिट्टी के बने हुए घर, बीच में कुछ पत्थर भी इस्तेमाल हुआ है। Looks very nice. It's really nice. गुलबर लाला को देसी मुर्गी की खुशबू आई है। गुलबर लाला को अगर तंदूर मिल गया तो फिर ये मुर्गी नहीं मिलेगी किसी को। हाँ, गुलबर लाला देसी मुर्गियाँ उधर से वो हमारे इलाके में, तो वो मिस्री मुर्गियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और देसी